हेलो फ्रेंड्स, मैं इला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पे आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मेरी ये जो एक लंबी पड़ती क्यारी है, इसमें हमने लौकी के बीज डाले थे मार्च में, है ना। और इसमें ये देखिए, इसमें यहाँ पे बैगन लगा था और यहाँ पे बहुत बथुआ भी, बहुत बथुए के पेड़ लगे थे, बहुत सारे लगे थे जो मैंने निकाल दिए काफ़ी। और अब हम देखते हैं कि हमारे उन लौकी के बीजों में से कुछ निकला कि नहीं निकला। ये यहाँ पे ये नेस्ट्रेशियम लगा है, अपने आप उगाते हैं दोस्तों। नेस्ट्रेशियम हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, आपने एक बार लगा दिए तो ये इतने जेन्युइन पौधे हैं कि इनको आपको बार बार लगाना नहीं पड़ता है। अब ये देखिए, ये इसकी ये खूब फूल इसने दे दिए हैं, अब सूख रहा है ये। तो इसके बीज ये देखिए, कितने सारे बीज, ये सब नेस्ट्रेशियम के बीज, ये सब इसमें गिर जाते हैं और हम कुछ करते नहीं। आपको पता है मेरा नोटिल गार्डन है, मतलब कि मैं अपने ज़मीन में इसकी कभी भी गुड़ाई नहीं करती हूँ जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। ये तो शाम का वक्त है, मैंने अभी पानी डाला है इसलिए मिट्टी इतनी नम है। तो ये हम जड़ से नहीं उखाड़ेंगे नेस्ट्रेशियम को, हम इसको यहाँ से काट के निकाल देंगे। ये जो इसकी जड़ है ना, ये यहाँ से ये दो तीन पेड़ लगे अपने आप निकल आते हैं सारे। तो ये पूरे बगीचे में यहीं से जब पौध तैयार हो जाएगी अगले साल फिर, तो हम यहीं से निकाल निकाल के अपने पूरे बगीचे में एक बहुत कलरफुल लुक दे देते हैं। और आपको पता है नेस्ट्रेशियम जो है वो एडिबल फ्लावर है, तो कलर के साथ साथ ये आप अपने सैलेड्स में इसकी लीव्स और इसके फ्लावर्स डाल सकते हैं। आप अपने इसके पत्तों की, जो फ्रेश पत्ते निकलते हैं, उनकी साग भी बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। लेकिन हम बात कर रहे थे इस समय लौकी की, तो पहले हम ये नेस्ट्रेशियम को हटा के देखते हैं कि लौकी निकली है कि नहीं निकली है। यहाँ पे ये टमाटर भी लगे हैं, काफ़ी क्राउडेड है सब कुछ। यहाँ तो नहीं निकली है, देखना पड़ेगा ज़रा सा। ये देखिए, ये काहे का निकला है, ये एक छोटा सा निकला है, लेकिन ये देखिए ये बहुत टाइनी मिनी सा निकला है। तो अब तो बिल्कुल ही इनको हटा देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी ये सैपलिंग जो है ये पनपेगी नहीं। अच्छा, और आगे चलते हैं तो वाओ, ये देखिए ये जो है ये अच्छा निकल आया है, ये वाला बहुत अच्छा निकल आया है। तो अब मुझे ये टमाटर की भी थोड़ी पत्तियाँ काटनी पड़ेंगी। और देखें दोस्तों, ये देखिए यहाँ भी एक निकल आया है, ये देखिए है ना, देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ भी एक निकल आया। तो अब इसको धूप मिले इसके लिए हमें ये अब पत्तियाँ हटानी पड़ेंगी, थोड़ी हवा आ जाए इसमें। और इधर नहीं, इधर तो लगाया नहीं था, इधर ये है कद्दू, ये कद्दू के सैपलिंग्स लगाए थे, तो ये यहाँ पे कद्दू की अच्छी पड़वार इसने पकड़ लिया, कद्दू ने सीताफल। तो देखिए, एक ही क्यारी में से मैंने कितनी फसल ले ली थी, और मैं शायद आपको गिनाया भी था कि तकरीबन 9 फसलें हमने इसमें से ली थी, 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सो अब ये है बैगन, बैगन तो खैर मैं नहीं हटाऊंगी, बैगन काफ़ी सालों तक चलता रहता है। ये टमाटर हटा देंगे, बहुत ज़्यादा ही भर गया है, फल काफ़ी निकले थे इसमें, अब ये भी पत्ते इसके पीले पड़ने लग गए हैं और फल निकले, लेकिन बंदरों ने भी खूब फीस्ट इसके संग संग जमाई थी अपनी, तो ये भी निकाल देंगे, जिससे कि अब हमारी ये लौकी की बेल जो है ये परवान चढ़े। और यहाँ पर ये जो जगह खाली हो गई है थोड़ी सी, बीज जहाँ ये आप देख रहे हैं पड़े हैं इसके नेस्ट्रेशियम के, यहाँ भी एक आध पौध और आ सकती है, वो मैं ज़रूर लगा दूँगी। और ये हमारा यही है दूसरा बैगन का पेड़, और इसके आगे हमारे
ये लगे हैं आइपोमिया मॉर्निंग ग्लोरी, इसमें भी सवेरे अच्छे फूल खिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप एक ही क्यारी में, एक ही जगह में, कम से कम जगह में आप एक अच्छा किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ कई फसलें ले सकते हैं। अब इसमें ये जो हमारे घिया के पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं, अब इसमें इनको हमें देखना है, खाद वाद देनी पड़ेगी अब इसमें हमको कि और ये मजबूत पकड़े। सबसे पहले तो यहाँ से मुझे ये क्लस्टर थोड़ा कम करना पड़ेगा जिससे इसको हवा मिल सके और सूरज की रोशनी इस तक पहुँच सके। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।